हाँ, 1 मिनट 2 मिनट बचे हुए, बाकी को ज्वाइन करने देते। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो तब तक। सो लेट्स स्टार्ट। अंशिका लेफ्ट, क्यों भाई? प्रियम, आपका माइक्रोफोन ऑन है। सो कल हमने प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ कंप्लीट हो गए थे। सबसे पहले था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जो भी नेचर में जीन्स अवेलेबल हैं उनको हमें यूज करना है या कह लीजिए एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि हम अपने तरीके से उन जीन्स को यूज करने वाले हैं। और ऐसा करने के लिए हमें उस प्लांट का रिलेटेड कल्टीवार या वाइल्ड कल्टीवार जो भी अवेलेबल है वो लेना होगा, विद इन द कंट्री और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। लाने के बाद दैट इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन। लाने के बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आएगा, जो भी सैंपल आपने कलेक्ट किया, जो भी रेफरेंस कल्टीवार आप लेके आए, आपने क्या किया, उसको स्क्रीन किया, इवेल्युएट किया और पेरेंट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट किया। अगर होमोजाइगस है, प्योर लाइन है, इट्स गुड। नहीं है तो कोशिश की कि वो बन जाए वेर एवर पॉसिबल एंड डिजायरेबल, ये आपने मेंशन किया। फिर थर्ड स्टेप में हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट के मेथड्स यूज किए, उनके कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हैं या कोई सिंगल मेथड भी ले सकते हैं, लाइक वी हैव सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीपोलाइडी, इन चारों के कॉम्बिनेशंस या इन चारों में से कोई भी दो तीन या एक, जैसा भी है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज करते हैं क्रॉप को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के बाद जो हमें मिलेगा, अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन किया तो हमें हाइब्रिड्स मिल जाएंगे, अगर सिलेक्शन यूज करेंगे तो सिलेक्टेंट्स कहलाते हैं, म्यूटेशन यूज करेंगे तो म्यूटेंट्स कहलाते हैं, पॉलीपोलाइडी यूज किया होगा तो पॉलीपोलाइड मिलेगा। अब हमें चेक करना है, इनको सिलेक्ट करना है और इन्हें टेस्ट करना है कि इनमें सुपीरियर करेक्टर आए या नहीं आए। सिलेक्शन में सुपीरियर करेक्टर आएंगे बिकॉज हम फिनोटिपिक लेवल पे सिर्फ देख के पहचानते हैं कि अच्छा ये प्लांट हेल्दी है, इनको चूज कर लेते हैं। म्यूटेशन में जो सर्वाइवल होगा, जो म्यूटेंट कहलाएगा, उसको देखना है। पॉलीपोराइडी में भी यही केस आएगा। हाइब्रिड्स के लिए ये टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बिकॉज जैसे कल डिस्कस किया था, हाइब्रिड वेगर हेट्रोसिस जहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से है, हाइब्रिड्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू दियर बोथ ऑफ द पेरेंट। तो अगर दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है तो डेफिनेटली सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हैं, इस बात को टेस्ट करके भी देखना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज क्या थी, हाइब्रिड्स, यहीं से कंटिन्यू करने थे, दैट आर सुपीरियर
टू बोथ ऑफ देयर पेरेंट आर सिलेक्टेड। अगर कोई हाइब्रिड ऐसा है जिसमें सुपीरियरिटी के करेक्टर नहीं आए उसको छोड़ दीजिए, जिसमें सुपीरियरिटी के करेक्टर्स आए हैं उन हाइब्रिड्स को क्या करना है, उन्हें सिलेक्ट करना। ठीक, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। सर, इसका रेट भी बहुत कम होता है ना। हाँ, जैसे कल लिखा था कि 1000 में से या 100 में से कोई एक होगा अगर हाइब्रिड है, और अगर म्यूटेंट्स है तो 10 लाख में से कोई एक होगा, 1 मिलियन में से कोई एक होगा जो हमें चूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके, हमने कौन सा प्लांट चूज किया है, उसको किस कंट्री में किन ग्रोइंग कंडीशन में किया जा रहा है, और किसी भी मेथड का सक्सेस रेट क्या है, बहुत सारे फैक्टर हैं इस बात के लिए। बट एनी हाउ हमें सुपीरियर तो चूज करना ही है, बिकॉज हमने जो काम किया वो हुआ या नहीं हुआ, इस चीज के लिए आपको ऐसे हाइब्रिड चूज करने हैं जो दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर कैरेक्टर्स को शो करते हैं। इसीलिए ये सबसे क्रूशियल स्टेप कहलाता है ना। कभी अगर आए कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे क्रूशियल स्टेप क्या है, तो यही है, बिकॉज यही पता चलेगा कि आपका सक्सेस रेट कितना है। आपने 1000 एक्सपेरिमेंट किए तो हार्डली कोई 1 एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जो सक्सेसफुल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब आपने हाइब्रिड्स को चूज कर लिया, इनको फिर वही सेल्फिंग से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इनमें प्योर लाइन 100% करेक्टर पासेज, सो दे आर मल्टीप्लाइड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। टू अटेन होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगस मीन्स प्योर लाइन, फिर से इन्हें प्योर लाइन बनाया जाएगा। हमने बार बार प्योर लाइन क्यों बनाया, बिकॉज प्योर लाइन में करेक्टर 100% होगा, और करेक्टर जब 100% होगा तो स्टैटिक्स लगाने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई हमने पेरेंट्स को भी होमोजाइगस बनाया था, अगर बन सका डिजायरेबल और पॉसिबल। अगर ऑलरेडी होमोजाइगस या प्योर लाइन है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर सब कुछ करने के बाद हम दोबारा से उसे होमोजाइगस बनाएंगे कि जो भी करेक्टर हमारे हैं वो करेक्टर 100% जेनेटिकली प्योर हो जाए। अब इनको कैसे बनाते हैं, अभिषेक नमस्ते बेटा, इनको कैसे बनाते हैं, इसके भी अलग मेथड्स हैं कि आप बार बार सेल्फिंग कैसे करोगे, चूज कैसे करोगे। लेकिन हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सेल्फिंग से हम किसी भी प्लांट को होमोजाइगस बना सकते हैं। जैसे मेंडल के केस में अगर आपको पहले से याद है, तो मेंडल ने भी यही किया कि F1 हाइब्रिड की सेल्फिंग की तो F2 आया, F2 की सेल्फिंग की तो F3 जनरेशन आ गई। तो बार बार जब आप सेल्फिंग करते जाओगे तो कुछ टाइम के बाद ऐसे प्लांट्स बन जाएंगे जो उस करेक्टर के लिए 100% प्योर होंगे। 100% प्योर होंगे मीन्स वो होमोजाइगस है, प्योर लाइंस। यहां तक जितना भी काम होता है ये कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट फॉर्म जो भी सीड को बना रही है, जो भी प्लांट ब्रीडिंग अपनी लैब में कर रही है, तो ये काम वहां तक होता है। जैसे IARI है, या पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आगरा मथुरा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद में है, जहां भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो भी साइंटिस्ट होते हैं इतना काम तो वो अपनी लैब में करते हैं कि म्यूटेशन करना है तो लैब में करना पड़ेगा, फिर उन्हें मिट्टी में प्लॉट करना है तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास बाहर जमीन होती है, सारी लैब्स के अपने अपने प्लॉट्स होते हैं, वो उन प्लॉट्स में ग्रो करेंगे, जैसे फार्मर्स ग्रो करते हैं वैसे ही वो ग्रो करेंगे। तो ये सारा काम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे करती है। लेकिन जो बनने वाला सीड है, जो मार्केट में बेचने वाली चीज है, वो तो पूरे इंडिया जाएगी, थ्रू आउट द इंडिया होगा। तो फिर हम उसे कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई वर्क किया गया वीट पे, कोई वैरायटी को डेवलप किया गया, हिसार में डेवलप किया गया, हिसार हरियाणा में, तो हरियाणा में तो चलो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिसार के प्लॉट्स में लगा के देख लिया, बट ये सीड क्या साउथ इंडिया में ग्रो करेगा, क्या मध्य प्रदेश में ग्रो करेगा, क्या ये गुजरात जैसे एरिया में ग्रो करेगा, या ये नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया में जाएगा, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। इवन इंडिया में ही अगर हम बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक मीन्स जहाँ पे एग्रीकल्चर के हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। नॉर्थ इंडिया की कंडीशन अलग है, साउथ इंडिया की बिल्कुल अलग है। अगर आप ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करोगे तो एक तरफ गुजरात राजस्थान है जहाँ बारिश और नहीं होती बहुत ज्यादा, और एक तरफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां बारिश के अलावा शायद कुछ और नहीं होता। तो
तो अगर एक ही क्रॉप को अक्रॉस द इंडिया ग्रो कराना है, सारी कंडीशंस में वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, इसको भी चेक करके देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो साइंटिस्ट होते हैं उनके टाई अप्स होते हैं डिफरेंट जोन में रहने वाले फार्मर्स के साथ। बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए खेती करते हैं, तो जो हिसार में साइंटिस्ट है उसने ये जो बने हैं सीड्स, जो उसने हाइब्रिड्स बनाए, इनको उसने अलग अलग सेंटर को भेज दिया, कुछ साउथ इंडिया भेज दिए, कुछ नॉर्थ में भेज दिए, कुछ ईस्ट में भेज दिए, कुछ एमपी वाला जो जोन होता है मिडिल ईस्ट वहां भेज दिया, और उनसे कहा कि आपको ये 3 साल तक ग्रो कराना है। 3 साल क्यों? क्योंकि स्टैटिक्स में कम से कम 3 रेप्लिकेट्स चाहिए होते हैं। जैसे आपने कोई 12th में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में फेनोफ्थेलीन का किया हो, टेस्टिंग ट्राइटेशन किए होंगे, वर्नियर कैलिपर्स की हेडिंग की, तभी आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट को कम से कम 3 बार किया होगा, फिर उनका एवरेज निकाल के अपनी रीडिंग लिखते हैं और कंक्लूजन लिख के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं। तो स्टैट्स में क्या होता है कि कम से कम 3 रेप्लिकेट्स चाहिए। अब 3 बार अगर क्रॉप को ग्रो करना है तो इंडिया में 3 साल लग जाएंगे, बिकॉज एक सीजन तो एक बार ही आएगा। तो मिनिमम 3 सबसिक्वेंट लगातार 3 साल तक जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए या साइंटिस्ट के लिए उन सीड्स को शो करेंगे जो बना के यहाँ से फोर्थ स्टेप से दे दिए। उन्हें करना क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसान को जाता है, अगर कोई नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट या साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस लॉस को फुलफिल करती है। भाई वो किसान ये कहे कि मेरा खेत तो मुझे 10,000 रुपए देता ही देता है, अब आप जो कह रहे हो लगाने को, पता चला मेरे तो नुकसान हो गया तो मुझे नुकसान कौन देगा, तो सरकार देगी, यूनिवर्सिटी देगी। फायदा हो गया, 20,000 मिल गए कमा के, आप रख लो। बस एक शीट होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे आपको मार्क करके बताना होगा कि अंडर आइडियल सेट ऑफ कंडीशन जितना पानी आप पहले दे रहे थे उतना ही आपको अब देना है, जो पहले आप लगा रहे थे वो उसकी जगह अब आपको जो सीड दिए गए वो लगाने हैं। बस आप एक कंपैरिजन बना के दोगे कि आप जो पहले से ग्रो कर रहे थे दैट इज कॉल्ड लोकल कल्टीवार, जो साउथ इंडिया का अलग वैरायटी होगी, नॉर्थ इंडिया की अलग वैरायटी होगी, ईस्ट इंडिया की अलग होगी, तो जो लोकल कल्टीवार है उससे सिर्फ कंपेयर करना है, सो दैट साइंटिस्ट को ये पता चले स्टैटिक्स लगा के कि क्या ये डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए जो वैरायटी बनने वाली है वो सुटेबल है। अगर वो सुटेबल है तो उसे मार्केट में रिलीज किया जाएगा आफ्टर द अप्रूवल, और अगर किसी एरिया में सुटेबल नहीं है तो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है कि दिस वैरायटी इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि शरबती जो गेहूं है वो केवल एमपी की बेल्ट में होता है, उसको अगर आप साउथ इंडिया में ग्रो करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो शरबती ग्रो होता है लेकिन केवल एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो होता है, बाकी जगह ग्रो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे ग्रो करते हैं बिकॉज वो ऑलमोस्ट बेस्ट क्वालिटी का है। आई थिंक शायद उससे अच्छा गेहूं इंडिया में ग्रो नहीं करता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको एक तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 3 साल तक टेस्टिंग करनी है, लोकल कल्टीवार से आपको कंपेयर करना है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उसे मार्केट में रिलीज किया जाता है एक नाम के साथ आफ्टर द अप्रूवल, दैट इज कॉल्ड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या है, टेस्टिंग रिलीज कमर्शियलाइजेशन। फिफ्थ स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, फिफ्थ पे पहले हम टेस्ट करेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन, सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग, फिर उसे मार्केट में रिलीज किया जाएगा अंडर द ट्रेड नेम, बेचने के नाम से, जैसे कल अरुणा लिखा था या जगन्नाथ था या शरबती सोनार था या C306 था, जो भी नाम है IR36 है, कुछ भी नाम दिया जाए, कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वैरायटी या न्यू कल्टीवार जो नया बना है उसको टेस्ट किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, कमर्शलाइज किया। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, चौथे स्टेप से जो हमें प्योर लाइन मिलेगी उनको हम पहले इवेल्युएट करेंगे, वो कितनी ईल्ड दे रहे हैं, कैसी क्वालिटी है उनकी, डिजीज का रेजिस्टेंस है या नहीं है, जो हमारा डिजायरेबल करेक्टर था उसके हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्टेड जो प्योर लाइंस हैं दे आर इवेल्युएटेड फॉर डिजायर्ड करेक्टर, जो आप चाह रहे थे वो आया या नहीं आया, चाहे वो क्वालिटी हो
या यील्ड यानी क्वांटिटी हो या रेजिस्टेंस हो, कुछ भी जो भी आपने स्टार्टिंग में डिजायरेबल करेक्टर लिखे, इनके हिसाब से आपको सबसे पहले उसको इवेल्युएट करना है। अब उसके बाद क्या करा जाएगा, ये इवेल्युएशन होगा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको अलग अलग सीजन में ग्रो करना है आइडियल फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन प्रैक्टिस में। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दे आर ग्रोन इन जो सिलेक्टेड प्योर लाइन है, इनको हम ग्रो करेंगे कहाँ पे, इन रिसर्च फील्ड, जो रिसर्च फील्ड्स होंगी पहले वहां ग्रो किया जाएगा। एंड दियर परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड, पैरामीटर्स होंगे जिन पे इनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे आइडियल कंडीशंस दी, आइडियल इरिगेशन, जितना पानी देना चाहिए उतना ही दे रहे हो, ना ज्यादा ना कम। एंड फर्टिलाइजर्स, जितने फर्टिलाइजर पहले दे रहे थे उतने ही फर्टिलाइजर अब दोगे, जिस टाइम पे पहले दे रहे थे उस टाइम पे अब दोगे, तभी आप पता कर पाओगे कि नया वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, क्योंकि सारी कंडीशंस वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फार्मर की फील्ड में जाएगा, इन फार्मर्स फील्ड, फील्ड ट्रायल जिन्हें आप बोलते, कब का जाएगा, फॉर 3 मिनिमम है ना, सबसीक्वेंट लगातार जेनरेशंस, कम से कम 3 साल लगातार ग्रो करना है, कहाँ, इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इसको ग्रो करना है। फिर इसके बाद फिर इसका इवेल्युएशन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अलग अलग जोन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इवेल्युएशन इज अगेन डन, और अब क्या करना है, बाई कंपेयरिंग, अब आपको कंपेयर करना है विद लोकल कल्टीवार, जो किसान पहले से उगा रहे थे उससे, उसको आप रेफरेंस कल्टीवार भी बोल सकते हो। एक वैरायटी पहले से हो रही थी, अब मैं कहूं कि पहले वाली वैरायटी को छोड़ दीजिए, जो मैंने आपको भी बना के दी है वैरायटी, इसको 3 साल ग्रो कर दीजिए, और मैंने आपको एक शीट दे दी जिसमें सारे पैरामीटर्स लिखे हैं, बस आपको ये देखना है कि कितनी पैदावार हो रही है कितनी नहीं हो रही। लाइक दिस, हिमांशु लेट हो गए, कोई बात नहीं, बट कोशिश करिए टाइम से आ जाए। सो लोकल कल्टीवार से या रेफरेंस कल्टीवार उसे आप बोल सकते हैं, उससे आपको कंपेयर, अगर कंपैरिजन के बाद वो सुटेबल लगा, वो ठीक लगा कि हाँ ये हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस देता है, या किसी एक या दो जोन में इसकी परफॉर्मेंस बियॉन्ड द लिमिट है, बहुत अच्छी है, तो फिर उस एरिया के लिए इसमें लिख दिया जाता है कि दिस वैरायटी इज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर बेल्ट, दिस पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो फिर वही वैरायटी उस जगह पे यूज की जाती है ना। जैसे बहुत कॉमन सी चीजें हैं आप मेरी डेली लाइफ के हिसाब से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको बता दिया जो आपकी बुक में भी है, कि शरबती जो है वो एमपी वाली बेल्ट में ही ग्रो करता है, बट कभी भी आप देखिए, आप साउथ इंडिया कभी अगर घूमने जाए, या कोई साउथ इंडिया का है यहाँ पे, तो साउथ इंडिया में जो राइस की वैरायटी है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं करती। अगर आप अपने घर पे इडली मान लीजिए बनाते हैं, तो इडली अगर आप नॉर्मल बासमती चावल से बनाएंगे तो टेस्ट आएगा ही नहीं, इडली बनाने के लिए जो पर्टिकुलर राइस यूज होता है वो यहाँ ग्रो ही नहीं करता, वो ग्रो ही वहीं करता, वो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, बहुत मोटा चावल होता है, स्टिकी होता है, सो दैट इडली या जो भी बैटर बनते हैं साउथ इंडिया में उसमें वही राइस यूज किया, इस राइस की बनाओगे आपको टेस्ट ही नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग वैरायटी अलग अलग जोन में ग्रो करती है, आप उसे, क्योंकि एग्रीकल्चर नेचर में होना है, इट्स नॉट अबाउट कि एक छोटा सा प्लांट लगाना है तो अपने पॉट में अपने घर में लगा लिया, ये तो पूरी खेती करनी है, तो उसके लिए फिर आपको नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो करना पड़ेगा, जो वैरायटी जहां ग्रो करती है वही ग्रो करनी पड़ेगी। ग्रो करने के बाद आप स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कहीं भी करिए, डजन में ग्रो आपको वहीं करना है, तो इसलिए लोकल कल्टीवार से कंपेयर करके अगर सुटेबल लगता है तो उसको रिलीज कर दिया, इफ फाउंड सुटेबल
अगर सही लगा देन इट इज रिलीज्ड, इसकी रिलीज किया जाएगा विद ट्रेड नेम, किस नाम से बिकेगी ये, वो नाम साइंटिस्ट रख सकता है या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख सकती है। जैसे आगे हम बहुत सारी वैरायटी पढ़ेंगे, पूसा लर्मा कला आपने लिखा है ना, तो पूसा पूसा जगह का नाम है जहाँ IRI का सेंटर है दिल्ली, तो उसी के नाम पे उन्होंने बहुत वैरायटी के नाम रखे, या किसी ने पर्सनल रखे हैं तो जैसे कल आपने जगन्नाथ अरुणा इस तरीके से नाम भी देखे, तो एक ट्रेड नेम दे दिया जाएगा एंड विद अप्रूवल। इसको अप्रूव कौन करेगा? इंडिया में किसी भी सीड को एग्रीकल्चर के हिसाब से सेल करने के लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन है NSC, उससे अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बाद ही आप मार्केट में उसे बेच सकते। सो विद अप्रूवल फ्रॉम नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से मार्केट में एक वैरायटी को रिलीज किया है। ठीक है, तो हमने एक टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या होता है ये सब डिस्कस किया। तो थोड़ा नीचे करिए स्लाइड। ऐसे ऐसा थोड़ा और। हो गया, तो यस सर। ये एक तो जनरल, ये एक जनरल अकाउंट हो गया कि एक सिंपल प्लांट ब्रीडिंग को कैसे किया जाएगा। अगर हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन वाले मेथड्स पे जाएं, क्योंकि तो वो लंबा है, लंबा किस तरीके से होगा, आप मान के चलिए कि एक क्रॉप एक साल में एक ही बार लग सकती है। मान लीजिए हमने किसी ऐसे प्लांट पे काम करना शुरू किया जो क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो आप पहले से 3 4 महीने लग जाएंगे आपको जर्मप्लाज्म कलेक्ट करने, थोड़ा है ना, जहाँ पे भी टाइम इंडिया में लगने। ट्रेड। देखो जवाब यस, हो गया सर। हो गया। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए प्लांट ब्रीडिंग आप करते हैं तो कितने सालों में एक वैरायटी रिलीज हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो आप 3 4 महीने तो लग जाएंगे आपके कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना, आप प्लानिंग करोगे सीड्स को किसी कंट्री से मंगाओगे या जैसे भी। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था जहाँ पे आपने लिखा कि हम उसे होमोजाइगस बनाने की, प्योर लाइन बनाने की कोशिश करेंगे पेरेंट को, और जैसे मैंने कहा कि कोई भी काम आपको कम से कम 3 बार करना पड़े, तो यानी कि कोई क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो मिनिमम 3 इयर्स तो आपको सेकेंड स्टेप पे लगेंगे, 3 साल लगातार करोगे तो वो कहीं जाके सेल्फ पॉलिनेशन के हिसाब से। फिर आप कोई भी एक मेथड चूज करोगे तो उसमें मान लीजिए 1 2 साल 1 2 महीने लग गए आपके हाइब्रिडाइज करने में या म्यूटेशन करने में। वो बात भी आएगी और फिर मार्केट में रिलीज भी कर, कम से कम अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि 6 से 7 साल का तो काम है। एक वैरायटी जो प्लांट ब्रीडिंग से रिलीज की जाएगी इट टेक्स अराउंड 6 to 7 years अप्रोक्सीमेटली। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड है तो शुरू के 3 साल बच जाएंगे, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेटेड है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन फिर भी आपको चौथे स्टेप पे तो 3 साल देने ही देने हैं, है ना। और पांचवें स्टेप पे जहाँ पे फार्मर्स में लिखा है कि 3 सब्सिक्वेंट सीजन चाहिए तो वो भी देने ही पड़ेंगे, तो कम से कम आप मान के चलिए कि 6 से 7 साल तो एक लग जाएंगे। लेकिन एक बार अगर बन जाएगी क्रॉप तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जेनेटिकली मैनिपुलेट हो चुकी है, उसके जीन्स हम चेंज कर चुके हैं, वो करेक्टर को हम यूज कर रहे हैं जो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। वैरायटी बनने में कितना भी टाइम लगे बट वंस इट बिकम ए न्यू कल्टीवार उसके बाद कोई प्रॉब्लम। तो प्लांट ब्रीडिंग टाइम टेकिंग है, पेशेंस वाला
एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है और एग्रीकल्चर में बेस्ट मेथड यही कहलाता है। हम बायोटेक्नोलॉजी यूज तो करते हैं, बट आपने पढ़ा होगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके भी ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है। यहाँ कोई ड्रॉबैक नहीं है सिवाय इस बात की कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बन रहा है वो सही बन रहा है। इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग को एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज किया। ये तो बात हो गई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की। अब आते हैं उन टॉपिक्स पे जो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर लिखे थे, लाइक ईल्ड के लिए ब्रीडिंग कैसे की गई, फिर हम पढ़ेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कैसे की गई, इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए कैसे की गई, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्रीडिंग कैसे की गई। चार पैरामीटर्स, चार पैराग्राफ दिए हुए। यहाँ पे भी आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करने, मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं, किस प्लांट की कौन सी वैरायटी किस काम के लिए जानी जाती है। तो एक एक करके देखते हैं। ये जनरल अकाउंट था, स्टेप सब में सेम रहेंगे, चाहे डिजायरेबल करेक्टर क्वांटिटी हो, क्वालिटी हो, डिजीज का रेजिस्टेंस हो, या इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस हो, ये जो बेसिक स्टेप है वो हर जगह सेम रहेंगे। बस बनने के बाद एग्जाम्पल अलग अलग प्लांट में वैरायटी के नाम अलग अलग है जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जानी, हम उन पे फोकस। सो नाउ फर्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग ईल्ड के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम पढ़ते हैं इसको। आपके बुक में जो टॉपिक दिया है वो नाम दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इस तरीके से एक हेडिंग दे रखी है बुक में, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। ये किस चीज के लिए? दिस इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज्ड ईल्ड, ईल्ड ज्यादा हो जाए, वजन के हिसाब से प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए। अब ये कैसे किया जाए? यही ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1970s के टाइम पे आया था। तो ये कुछ डेटा आपके बुक में दे रखा होगा, जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो इंडिया की जीडीपी है उसका 1/3 अप्रोक्सीमेटली 33% एग्रीकल्चर से आता है। 2/3 पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज अगेन एग्रीकल्चर। इसे कहते हैं ना इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत पुराना प्रोवर्ब है। अभी तो बहुत से लोग एमएनसीज में जॉब करते हैं, बट स्टिल जो एनसीआरटी का डेटा है आपको तो वही याद करना है। तो 2/3 पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ऐसी है, 62% बुक में दिया है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो एग्रीकल्चर को एज ए आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट का काम करती है ना एग्रीकल्चर, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा। सबसे पहले क्या था? एग्रीकल्चर के बारे में दे रखा है, एग्रीकल्चर ये अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ जीडीपी इंडिया की बात कर रहे हैं, और प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अप्रोक्सीमेटली 62% पॉपुलेशन। 67 होता तो 2/3 एग्जैक्टली हो ही जाता, तो लगभग 2/3 लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, और इंडिया के जो टोटल ग्रोथ है उसका 1/3 केवल एग्रीकल्चर से है। तो दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट। अब ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था mid-1960s में, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये था mid-1960s, जहां पे बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप किया गया था, स्पेशली व्हीट और राइस में, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हाई यील्डिंग है इसका मतलब यील्ड ज्यादा हो। किसका मेन कंट्रीब्यूशन था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कौन कहलाते हैं? बुक में दे तो नहीं रखा है बट एग्जाम में पूछ लिया गया, तो एमएस स्वामीनाथन। कभी अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। किनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये हुआ?
और ये क्यों आया था? ये आया था बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेवरल, बहुत सारी हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज। किसकी? स्पेशली ऑफ व्हीट एंड राइस। इसकी वजह से क्या हुआ? दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड यील्ड, यील्ड बढ़ गई है पर यूनिट एरिया, एरिया उतना ही है बस उसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई, तो इसीलिए ये हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई, क्योंकि यील्ड अच्छा ज्यादा। अगर 1 हेक्टेयर से 100 kg वीट मिल रहा है तो इस वैरायटी को यूज करोगे जो हाई यील्डिंग वैरायटी होगी, तो सेम 1 हेक्टेयर से आपको 100 kg की जगह 150 kg, 200 kg, 220 kg तक मिल जाएगा, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। और फिर जितनी प्रोडक्टिविटी उतनी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स, और उसी हिसाब से इंडिया की जीडीपी में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज हमने मीन 1960s में डेवलप की थी, हमने मीन्स इंडिया ने डेवलप की। इसमें जो मेन रोल था वो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन का था, जो उस टाइम पे IRI के डायरेक्टर हुआ। इसी फेज को आप ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि अगर हम 1960 से 2000 तक 40 ईयर्स की बात करें, ना, ड्यूरिंग 1960 टू 2000, यहां पे क्या हुआ? व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। व्हीट में कितना था? फ्रॉम 11 मिलियन, 11 मिलियन टू 75 मिलियन टन, है ना? आप देखो तो 11 मिलियन से 75 मिलियन टन, एम फॉर मिलियन। अगर मैं 77 मान लू तो 11 से 77, 7 टाइम्स ज्यादा। 40 सालों में, 1960 में जितना गेहूं इंडिया में होता था उसका 7 गुना गेहूं जो है वो इन 40 सालों में बन होने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसी तरीके से एक डेटा राइस के लिए दिया हुआ है। अगर हम राइस की बात करें तो फ्रॉम 35 मिलियन टू 89.5 मिलियन टन। अगर इसको आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना ज्यादा। 40 सालों में हमने 2.5 गुना चावल की पैदावार बढ़ा दी और 40 सालों में गेहूं की पैदावार 7 गुना बढ़ गई। तो क्योंकि ये डेटा गिवन है बुक में, इसलिए आपको याद रखना। यहाँ पे व्हीट और राइस की जो हमने वैरायटी यूज की थी, दे आर कॉल्ड डॉफ एंड सेमी डॉफ वैरायटी। डॉफ का मतलब है इनकी प्लांट की हाइट कम होगी। जो वैरायटीज थी वो कैसी थी? डॉफ वैरायटी थी या फिर सेमी डॉफ वैरायटी। तो ये एक डेटाबेस पे जो बात की गई है वो अब इसमें एक एक करके देखते हैं कि डॉफ वीट में क्या था, डॉफ राइस में क्या था। डॉफ का मतलब क्या है? प्लांट हाइट कम हो जाएगी। जिन्होंने गेहूं या चावल को होते हुए देखा हो तो जो प्लांट है उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, क्योंकि प्लांट में जो प्लांट की हाइट है उससे केवल स्ट्रॉ कंटेंट आएगा। अगर गेहूं के खेत में कहा जाए तो गेहूं जब पक जाता है तो गेहूं की बाली काट ली गई, उससे तो गेहूं आ गया। नीचे का जो प्लांट बचा सूखा उसका क्या होगा? उसे काट के भूसा बना दिया जाए, स्ट्रॉ में काम आता है। अब जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके फार्म हाउस बहुत बड़े हैं हरियाणा पंजाब यूपी साइड में, वो लोग क्या करते हैं? वो हमेशा डॉफ वैरायटी लगाते हैं। डॉफ वैरायटी का रीजन क्या है? एक तो प्लांट की वेजिटेटिव फेज छोटी रहेगी, उन्हें भूसा इतना सारा चाहिए भी नहीं, वो तो केवल गेहूं को काटते हैं मशीन से और बाकी खेत में आग लगा देते हैं। आपने सुना भी होगा कि पराली जला दी गई, धान को तोड़ा और धान का जो हाँ नीचे का हिस्सा पराली था, हाँ नीचे का जो हिस्सा बचा उसे बंद कर दिया, बिकॉज वो स्ट्रॉ कंटेंट में बिलीव नहीं करते। स्ट्रॉ कंटेंट कहाँ रखेंगे स्ट्रॉ को और कहाँ बेचेंगे? गेहूं और चावल निकाला और बाकी सबको जला दिया। तो लगाते ही वो डॉफ वैरायटी, जब डॉफ वैरायटी को लगाओगे तो एक तो आपके न्यूट्रिशन आपको कम देना पड़ेगा, यानी फर्टिलाइजर में जो पैसा खर्च हो रहा है वो बच जाएगा। 4 महीने 5 महीने की क्रॉप की जगह वो क्रॉप 3 से 4 महीने में ही पूरी हो जाएगी, तो आपका टाइम भी बच गया, है ना? अगर टाइम बच गया तो किसान 1 साल में 3 क्रॉप की जगह 1 साल में 4 क्रॉप लगा लेंगे, तो उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। हाँ ये जरूर है कि
डॉफ वैरायटी का जो सीड होगा वो मार्केट में महंगा होगा, तो जो लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर करते हैं, जिनके लिए एग्रीकल्चर उनका बिजनेस है ना, वो लोग डॉफ एंड सेमी डॉफ वैरायटी को कॉमनली यूज करते हैं। जो लोकल फार्मर्स हैं जो अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, उतनी पैदावार होती है जितने से वो अपना खाना खर्चा चला दे, वो सेमी डॉफ लगा लेते हैं कि भाई गेहूं भी मिल गया और घर में जो 3-4 कैटल्स हैं उनके लिए स्टॉक कंटेंट भी आ गया। तो डॉफ एंड सेमी डॉफ वैरायटी बनाने की वजह से प्रोडक्शन इतना व्हीट और राइस में इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग दीज 40 ईयर्स। एक एक करके देखते हैं कि डॉफ व्हीट कैसे बना, डॉफ राइस कैसे बना। सबसे पहले बात करते हैं डॉफ व्हीट की। इसमें एक दो लाइन आपको एनसीईआरटी से अलग मिलेंगी, याद रखिएगा। डॉफ व्हीट, अब वीट को डॉर्फ करने के लिए, मतलब प्लांट की हाइट ना बढ़े, इसके लिए जापान में एक डॉर्फिंग जीन डिस्कवर किया गया। ये बुक, ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं, देर इज डॉर्फिंग जीन, इसका नाम है नॉरिन 10। कभी पूछा तो नहीं गया बट याद कर सकते। कहाँ से किया गया? फ्रॉम जापान। जापानीज आर वेरी गुड इन एग्रीकल्चर, बहुत फास्ट एग्रीकल्चर है जापान में। तो जापान ने क्या किया कि एक डॉर्फिंग जीन को डिस्कवर किया। अब क्यों डिस्कवर किया, इसकी भी हिस्ट्री है। मैंने आपको जब फंगी पढ़ाया था तो फंगी में एक डिजीज पढ़ाई थी, रस्ट डिजीज है ना। रस्ट इज कॉज बाय विच फंगस, कोई आंसर कर सकता है? रस्ट इन वीट इज कॉज बाय विच फंगस? ऑक्सीनिया। पक्सीनिया। बिलोंग्स टू क्लास, पक्सीनिया बिलोंग्स टू क्लास विच क्लास ऑफ फंगी? रस्ट बीट में पक्सीनिया से होती है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पक्सीनिया बीट, पक्सीनिया फंगी की कौन सी क्लास का मेंबर है? 11th में दिया हुआ है। ऑप्शंस आर फाइकोमाइसिटीज, चार ही क्लास आपकी बुक में दी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, प्लेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियो माय सिटीज। प्लेसिडियोमाइसिटीज। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि पक्सीनिया, रस्ट, प्लेसिडियोमाइसिटीज, मतलब कुछ बात एक लाइन यहाँ से उठाई और एक फंगी से रिलेट कर ली, तो इट्स गुड कि आपको याद। पक्सीनिया जब वीट में इंफेक्शन कॉज करता है तो उसके स्टेम पे कॉज करता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक स्टेम रस्ट। रस्ट तो है लेकिन रस्ट पूरे प्लांट में कहाँ होता है? स्टेम पे होता है, ब्लैक स्टेम रस्ट, ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक स्टेम रस्ट होता है। डॉफ वैरायटी, जब जापानीज ने डॉफिंग जीन को डिस्कवर कर लिया तो प्लांट की हाइट छोटी हो गई, तो जिस टाइम पे फंगी डिजीज कॉज करने के लिए अवेलेबल है, प्लांट अपनी वेजिटेटिव फेज को क्रॉस कर चुका, क्योंकि प्लांट हाइट कम हो गई। तो मान लीजिए रस्ट इंतजार कर रहा है, पक्सीनिया इंतजार कर रहा है कि वीट का पौधा में स्टेम बने और मैं डिजीज कॉज करूं, लेकिन हमने क्या किया अपनी समझ से, हमने उसकी वेजिटेटिव फेज को बहुत छोटा कर दिया, तो स्टेम पहले ही बन गया, तब पक्सीनिया नहीं था। जब पक्सीनिया आया तब तक स्टेम की जगह फ्लावरिंग स्टेज में प्लांट पहुंच गया, तो फिर वो डिजीज कॉज कर नहीं सकता। होस्ट यानी वीट और पैरासाइट यानी पक्सीनिया, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पैरासिटिज्म में भी समझाया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है ना। जैसे मॉस्किटो जब बाइट करते हैं या मलेरिया के स्प्रेड होने का भी एक पर्टिकुलर सीजन है कि जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा मच्छर आपको देखना शुरू हो जाता है, अगर ठंड है तो गायब हो जाएंगे और बहुत गर्मी है तो गायब हो जाएंगे। हर एक डिजीज के पैरासाइट के हिसाब से एनवायरनमेंट सुटेबल होगा तो पैरासाइट डिजीज कॉज कर पाएगा, अगर होस्ट के हिसाब से एनवायरनमेंट सुटेबल होगा तो वो डिजीज से अपने आप को रेजिस्ट करा लेगा। तो डॉफ करने से बेनिफिट ये हुआ कि पक्सीनिया यानी रस्ट डिजीज वीट में नहीं हो सकती, और वीट में सबसे ज्यादा जो डैमेज कॉज होती है वो रस्ट की वजह से होती है अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। मैक्सिमम डैमेज जो वीट के प्लांट को होती है वो रस्ट की वजह से होती है। तो जैसे ही ये डॉर्फिन जीन डिस्कवर हुआ, अमेरिकन ने, मैक्सिको में, डिफरेंट कंट्रीज ने डॉर्फिन जीन को यूज करके अलग अलग डॉफ वैरायटी बनानी शुरू की।
और इन सब में सबसे खास बात, करेक्टर्स तो बहुत सारे थे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर इज कि ये रस्ट रेजिस्टेंट है। इन्हीं वैरायटी से फिर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब वैरायटी पेटेंट थी मैक्सिको की, अब मैक्सिको अपना पेटेंट या अपना सोर्स ऑफ इनकम इंडिया को क्यों दे देगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 1960s के टाइम पे इंडिया में रस्ट का इंफेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि गेहूं भी हमें खरीदना पड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे शायद उस टाइम पे, तो वीट को भी हम क्या करते थे मैक्सिको से परचेज करते थे और फिर वो वैरायटी लगाते थे जो रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी थी जिसमें रस्ट का इन्फेक्शन नहीं होता, और वो डॉर्फ वैरायटी थी। हमारे पास डॉर्फ वैरायटी बनाने की जो नॉलेज थी वो नहीं थी। फिर प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने उस नॉलेज को डेवलप किया और वो रस्ट को बनाने का तरीका इंडिया में लेके आए, फिर इंडिया ने अपनी डॉर्फ वैरायटी को बनाया, उससे रस्ट भी नहीं हुआ और यील्ड भी बढ़ गई। और फिर जो डेटा आपने लिखा 1960 से 2000 तक लगभग 7 times यील्ड बढ़ गई। तो दैट इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री की इंडिया में रस्ट की वजह से हम लाए थे वैरायटी को, लेकिन यील्ड ज्यादा होने से किसान को दुगना फायदा हुआ, रस्ट का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और यील्ड भी सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो। तो इस सब की शुरुआत जापान से हुई थी, जापानीज ने एक डॉल्फिन जीन को डिस्कवर किया, दैट इज नॉरिन टेन। एक नाम आपके बुक में दिया है नॉर्मन ई बारलॉग, नॉर्मन ई बॉरलॉग नोबेल लॉरेट है। एम्स में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो नोबेल लॉरेट है इन्हें किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। ये काम करते थे इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, मैक्सिको। ये मैक्सिको में, मैक्सिको इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट एंड मेस। मेरा क्वेश्चन ये था कि नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिला तो किस फील्ड में मिला, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री या इन फिजिक्स, पीस है ना, लिटरेचर, बताओ किसी को आइडिया है? आप सोचो क्वेश्चन कैसा पूछ लिया गया कि नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला? जो वैरायटी बनी, यहाँ से जो वैरायटी बनी वो कौन सी है, इन्होंने क्या किया, ये डेवलप ट्रिपल 3 बार क्रॉस किया था सेमी डॉफ वैरायटी। Varieties of wheat, इन्हीं को आप बोलते हो मैक्सिकन वीट। ये वहां क्या कहलाते हैं, मैक्सिकन वीट कहलाते हैं। इनकी खास बात ये है कि इनमें yield ज्यादा है, they are high yielding, इनका ग्रोथ छोटा है, smaller ग्रोथ पीरियड, टाइम से पहले मैच्योर हो जाएंगी। अगर आप फर्टिलाइजर दोगे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है, रेजिस्टेंस शो करते हैं फॉर कॉमन, जैसे वीट में है पैथोजन टॉक्सिनिया एज वेल एज पेस्ट। So, ये जो वैरायटी मैक्सिको वीट, मैक्सिकन वीट वैरायटी जो नॉर्मन ई बारलॉग ने मैक्सिको में डेवलप की यूजिंग द जीन ऑफ जापान नॉरिंटन, इन वैरायटी की खास बात ये है कि ये हाई यील्डिंग है, इनका ग्रोथ पीरियड छोटा है, फर्टिलाइजर दोगे तो रिजल्ट और अच्छा आएगा, फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव है और इनमें जो कॉमन पैथोजन और पेस्ट होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो ये वैरायटीज शो करती हैं। इन वैरायटी के जो एग्जाम्पल है मैक्सिकन वीट के जो एग्जाम्पल है दे आर सोनारा 64 एंड लर्मा
रोजो 64, ये मैक्सिकन वीट है ना, ये वैरायटी के नाम, जो मैक्सिको में डेवलप किए। अब उस टाइम पे इंडिया ने मैक्सिकन वीट को परचेज किया सो दैट कि वो अपने लोगों को खाना दे सके, बिकॉज बिना गेहूं के तो इंडिया में काम नहीं चलेगा। और अर्ली इंडिया की बात करोगे, 1947 के अराउंड की अगर आप कोई भी बात करोगे, तो नॉन वेजिटेरियन डाइट पे लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, तो उस हिसाब से उन्हें वेजिटेरियन डाइट चाहिए, एंड फॉर दैट दे नीड वीट एंड राइस, बिना उसके इंडिया में काम नहीं चल रहा। तो हमने गेहूं भी कभी खरीदा था, अभी तो हम वीट को और एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे हमने इम्पोर्ट किया था फ्रॉम मेक्सिको, क्योंकि तो इंडिया में रस्ट का इन्फेक्शन था और रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी केवल ये थी। इन्होंने सोशल कॉज के लिए, क्योंकि इंडिया में जो कंडीशंस थी वो भुखमरी की बिल्कुल स्टार्वेशन वाली कंडीशंस हो गई थी, तो सोशल कॉज के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी IARI में MS स्वामीनाथन के साथ डिस्कस की। फिर ये जो वैरायटी थी, ये वैरायटी को इंडिया लाया गया, बट पेटेंट के रूल वायलेट ना हो, आप सेम नाम नहीं यूज कर सकते, इनको बनाने का जो सेम प्रोसेस है वो यूज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े। तो ये वैरायटी इंडिया में आई, इन इंडिया, ये इंडिया में लाई गई 30 वैरायटीज आर मॉडिफाइड, इन्हें थोड़ा सा चेंज किया गया बाय गामा म्यूटेशन, गामा रेज आप समझते ही, तो गामा रेज को देखिए, इन्हें म्यूटेशन से मॉडिफाई किया गया, नेम डैस इनके नाम बदल दिए गए, सोनालिका, ये इंडियन वैरायटी है जो सेमी डॉफ है, एंड कल्याण सोना। अच्छा और फिर ये पूरे इंडिया में जो वीट ग्रोइंग बेल्ट है, जहां जहां गेहूं की पैदावार होती है वहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इनकी वजह से फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आना शुरू, सोनालिका एंड कल्याण से। तो इस तरीके से हमने डॉफ वीट बनाया और उसको यूज, इसमें से बस आपके लिए एक्स्ट्रा था Norrin 10, वो आपको याद रखना है कि अगर डॉल्फिन जीन हो तो डॉल्फिन जीन का नाम क्या है, Norrin 10। और मैक्सिकन वीट की वैरायटी कौन सी है, Sonara 64, Lerma Rosa 64, यही डॉफ वीट इंडिया में जो आया उस गामा म्यूटेशन से मॉडिफाई किया गया। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए, ये मैक्सिकन वीट कौन सा है, नॉर्मन ई वॉरलॉग, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट ये कहाँ है, तो आंसर मैक्सिको हो गया, है ना। Sonara 64, Lerma Rosa 64, ये मैक्सिकन वीट वैरायटी है। इंडिया में वैरायटी को मॉडिफाई कैसे किया गया, बाय यूजिंग द गामा रेज, सो कॉल्ड गामा म्यूटेशन। इंडिया में उनके नाम क्या रखे गए, लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोन। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डॉफ वीट से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, डॉफ राइस। फिर राइस में डॉफिन जीन जो रिपोर्ट किया गया था वो ताइवान से रिपोर्ट किया गया था, बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी याद कर सकते हैं, देयर वॉज ए डॉफिन जीन, इस जीन का नाम क्या था, इसका नाम था डी जियो वू जेन, ये जीन का नाम है और ये था फ्रॉम ताइवान। तो ताइवान में सबसे पहले राइस में डॉल्फिन जीन को ढूंढा गया, जो जिसकी वजह से राइस का प्लांट छोटा रहे, और जब आप इस जीन को प्रमोट करेंगे तो डॉर्फ राइस बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ताइवान में ही इस डॉल्फिन जीन को यूज करके जो वैरायटी बनाई गई, उसका नाम एनसीईआरटी में है पैचुंग नेटिव वन, क्या किया गया, दैट इज सेमी डॉफ राइस वैरायटी।
ये कौन सी है? दिस इज टाइचुंग नेटिव वन इन ताइवान। तो डॉल्फिन जीन भी ताइवान में डिस्कवर हुआ और फिर ताइवान में ही उस जीन को यूज करके वाइस की सेमी डॉग वैरायटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया टैचुंग नेटिव वन। राइस से पूरे वर्ल्ड में रिलेट करने का जो इंस्टीट्यूट है वो है IRRI, है ना, दैट इज इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछा गया है कि ये कहाँ पे? दिस इज मनीला फिलीपींस में। सर जरा बैक करना। दैट मीन्स नेक्स्ट पेज प्रीवियस। यस सर। ये लो प्रीवियस पेज था। हाँ हो गया सर। सो मनीला फिलीपींस जहां पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे जो सेमी डॉफ वैरायटी बनी है वो कौन सी है? दोज आर IR8 एंड IR24। सेमी डॉफ वैरायटी ऑफ राइस पूछा गया तो IR का नाम IR जो लिखा जाता है वो सेम इंटरनेशनल राइस 8 इंटरनेशनल राइस 20 IR8 IR24। ये सेमी डॉफ वैरायटी है जो मनीला फिलीपींस में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां बनाई गई। अगेन बैक टू इंडिया, इनको इंडिया लाया गया। इन इंडिया इंडिया में आई थी 1966 में। इनको फिर मॉडिफाई किया गया गामा म्यूटेशन से। दीज आर मॉडिफाइड थ्रू गामा म्यूटेशंस एंड उनको नाम दिया गया नेम्ड एज जया एंड रत्ना। इंडिया में जया और रत्ना और IRRI में इनको IR8 और IR3। अब क्योंकि दोनों ही क्रॉप इंडियन ओरिजिन की नहीं है इसलिए मैक्सिको और फिलीपींस यहां से हम राइस और वीट को लेके आए। थर्ड एग्जाम्पल जो आपकी बुक ने दिया है वो शुगर केन को लेके दिया है लेकिन शुगर केन को डॉफ मत लिख दीजिएगा। शुगर केन को डॉफ कर दोगे तो शुगर का जो प्रोडक्शन है क्योंकि जूस कम हो जाएगा। शुगर केन की तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा क्योंकि लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा वेट उतना ज्यादा जूस उतना ज्यादा शुगर। तो शुगर केन को आप डॉफ नहीं बनाओगे। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेन थी वीट और राइस उनको डॉफ या सेमी डॉफ बनाया गया एज पर नीड। शुगर केन को डॉफ नहीं करना है। थर्ड एग्जाम्पल दिए शुगर केन इंडियन ओरिजिन की क्रॉप है इसलिए कुछ बाहर से नहीं लाया गया। हमने अपने अंदर ही जो रिसोर्सेस थे जो हमारे अपने वाइल्ड कल्टीवार थे उन्हीं को यूज करके शुगर केन की क्रॉप्स डेवलप की। सो थर्ड एग्जाम्पल इज शुगर केन। अब शुगर केन में क्या किया गया है? शुगर केन में एक्चुअली क्या है कि इंडिया में दो टाइप के शुगर केन है, एक नॉर्थ इंडिया में ग्रो करने वाला एक साउथ इंडिया में ग्रो करने। एक हमारे पास नॉर्थ इंडियन केन केन मतलब शुगर केन है और एक हमारे पास साउथ इंडियन केन। जो नॉर्थ इंडिया में होता है दैट इज सैकरम बारबेरी। सैकरम बारबेरी जो साउथ इंडिया में होता है दैट इज सैकरम ऑफिसिनेरम। खास बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में जो केन होता है इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा नहीं होता है, इसके थिन स्टेम होते हैं। और स्टेम अगर पतला होगा तो इट मींस इट हैज पुअर शुगर कंटेंट।
मींस इसकी जो यील्ड होगी वो कम होगी, लेसर यील्ड। लेकिन जो साउथ इंडिया में होता है उसमें थिक स्टेम होते हैं, मोटा गन्ना होता है, थिक स्टेम होंगे तो इसमें हाई शुगर कंटेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको हायर यील्ड मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, शुगर केन में एक डिजीज है विच इज वेरी कॉमन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। किससे होता है रेड रॉट शुगर केन में? 11th में पढ़ाया था, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज बाई कॉलेक्टोट्राइकम इलेक्ट्रोट्राइकम फलगेटम। फलगेटम। क्लास बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंगी? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटी। तो जो रेड रॉट है आपने देखा भी होगा कभी गन्ने का जूस मार्केट में कभी देखा हो तो, हमेशा गन्ना आपको थोड़ा सा लाल दिखाई देगा, दैट इज रेड रॉट। कितनी भी कोशिश कर ली हमने लेकिन रेड रॉट का इन्फेक्शन हम खत्म नहीं कर पाए, जीरो नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट एक टाइम ऐसा भी था जब पूरा का पूरा क्रॉप रेड रॉट की वजह से डैमेज हो गया था। आप गन्ने को जूस निकालने की कोशिश करोगे, फ्यू ML निकलेगा, सारा का सारा जो केन है वो सूख गया था रेड रॉट की वजह से। तो प्रॉब्लम यह है कि जो सैकरम बारबेरिस है या नॉर्थ इंडिया का जो केन है उसमें शुगर कंटेंट या जूस कंटेंट तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें डिजीज का रेजिस्टेंस है। इट हैज रेड रॉट रेजिस्टेंस, रेड रॉट शुगर केन में कॉमन डिजीज। जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है तो फिर फंगी भी ज्यादा ग्रो करेगी, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ये कैसा है? ये डिजीज, डिजीज का मतलब रेड रॉट, ससेप्टेबल है, कमजोर है। तो एक में शुगर कंटेंट ज्यादा है तो उसमें डिजीज लगने के चांसेस भी ज्यादा, एक में शुगर कंटेंट कम है तो उसमें डिजीज नहीं लगती। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये दोनों करेक्टर मिक्स हो जाएं। हम एक ऐसा केन बनाना चाहते हैं जिसमें ये वाला शुगर कंटेंट हो और ये वाला डिजीज का रेजिस्टेंस आ जाए। कैसे बनाएंगे? इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया गया है ना, हमने टेक्निक क्या डेवलप की? हाइब्रिडाइजेशन। और यहां से क्या बन गए? हाइब्रिड शुगर केन वैरायटीज बन गई। जब हाइब्रिड शुगर केन बन जाएंगी तो इसमें क्या होगा? इसमें दोनों बातें आएंगी, यहां के हिसाब से रेजिस्टेंस और यहां के हिसाब से यील्ड। इनमें हाई कंटेंट है, हाई शुगर कंटेंट एंड यील्ड भी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ हैविंग थिक स्टेम, और इनमें डिजीज का रेजिस्टेंस भी है। अब हमें कुछ बाहर से नहीं लाना पड़े, हमने अपने आप ये काम कर लिया बिकॉज शुगर केन इंडियन ओरिजिन का क्रॉप, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो सेंटर है शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सहारनपुर में, अगर कोई इस बेल्ट का होगा तो पता होगा कि ये जो वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट है यहाँ पे गन्ना बहुत ज्यादा होता है। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो इस बार भी शुगर केन का प्रोडक्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ बिकॉज पिछले साल बहुत अच्छा मौसम रहा था, तो केन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हुआ, चीनी महंगी नहीं हुई सो कॉल्ड सिंपल लैंग्वेज में कहा। और अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां पे भी शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कोयम्बटूर में। तो एक नॉर्थ इंडिया के केन से डील करता है, एक साउथ इंडिया के केन से डील करता है, तो दोनों जगह ब्रीडिंग सेंटर्स बने हुए हैं, सहारनपुर में भी और कोयम्बटूर में। जब हाइब्रिड केन की बात आई तो फिर दोनों जगह एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया कि किसी तरीके से दोनों करेक्टर एक केन में आ जाए। सो दोज विल बिकम हाइब्रिड केन वेराइटीज। यहाँ पे वेराइटी के नाम नहीं है बिकॉज बहुत सारी है। इनमें खास बात यह है कि इनका स्टेम मोटा होगा तो शुगर कंटेंट ज्यादा होगा, यील्ड भी ज्यादा होगी, लेकिन इसके साथ साथ इनमें डिजीज का रेजिस्टेंस भी आएगा, इनमें रेड रॉट का इन्फेक्शन भी नहीं होता। तो दैट्स व्हाई शुगर केन को भी हमने डेवलप किया यूजिंग द सेम मेथड। लास्ट में आपकी बुक में दे रखा है कि बहुत सारे मिलेट्स, मिलेट्स कहलाते हैं स्मॉल साइज के ग्रेन, जैसे गेहूं चावल
तो बड़े बड़े साइज के होते हैं, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, रागी, ये सब मिलेट्स कहलाते हैं। मिलेट्स का मतलब है स्मॉल साइज ग्रेन, छोटे साइज के अनाज। सीरियल्स होते हैं बड़े साइज के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, इस तरीके से। तो यहाँ पे IRI ने क्या क्या बना रखा है आज की डेट में, हाइब्रिड बाजरा भी है हमारे पास, ज्वार भी है, मेज भी है, इन सब की हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटीज है। सिर्फ एक अकाउंट दे रखा है, इनके नाम नहीं दे रखे। दे आर रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, पानी कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी ज्यादा है तो भी ये ग्रो कर जाएंगे और पानी कम है तो भी कर जाएंगे। इनको इंडिया में डेवलप किया, डेवलप्ड इन इंडिया। तो मिलेट्स बस याद रखने हैं, बाजरा, ज्वार, मेज, जौ, रागी और भी बहुत सारे होते। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ विच इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इजी, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंक्रीज यील्ड, जिसमें यील्ड इंक्रीज हुई वो हमने डिस्कस किया। इसी को एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया करके पैराग्राफ दे। सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं, स्पेशली डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें यील्ड ज्यादा नहीं आएगी, बस केवल क्या है उस डिजीज का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो डिजीज के रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग कैसे की गई और फिर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें लर्न करने उस पे आ। सो अनदर इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब प्लांट्स में डिजीज कौन कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, निमेटोड, बहुत सारे हमारे पास कॉमन पैथोजन है जो ट्रॉपिकल बेल्ट में डिजीज कॉज करते हैं। जो कॉमन पैथोजन है वो कौन कौन से हैं, उनमें आपने बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज कॉज करते, फंगी, वायरस एंड निमेटोड्स। और अभी हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल बेल्ट की, ट्रॉपिकल एरियाज। जब ये डिजीज कॉज करते हैं तो कितना नुकसान करेंगे, दे रिड्यूस यील्ड यूजुअली 20 to 30%, 20 से 30% का नुकसान तो होगा और कई बार टोटल भी हो जाता है, समटाइम्स इवन 100%। मतलब किसान ने गेहूं लगाया तो, लेकिन उसमें रस्ट का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि पूरी की पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई। शुगर केन लगाया लेकिन रेड रॉट का इन्फेक्शन इतना ज्यादा हुआ कि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड था वो डिस्ट्रॉय हो गया। देर इज ऑलमोस्ट जीरो प्रोडक्टिविटी जस्ट बाई ए सिंपल पैथोजन। तो कॉमन पैथोजन कौन से हैं और वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात की है ना फर्स्ट पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लांट में डिजीज का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट किसके सुटेबल में। इन्वायरमेंट अगर प्लांट के हिसाब से होगा तो डिजीज नहीं होगी, इन्वायरमेंट अगर पैथोजन के हिसाब से होगा तो वो प्लांट पे डिजीज कॉज कर पाए। तो जो डिजीज का डेवलपमेंट है, हमारी बॉडी में भी कोई डिजीज कैसे होती है, हमारी बॉडी वीक होगी तभी तो कोई भी पैरासाइट या कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन हमें कॉज कर पाएगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम है तो हम उसे लड़ ही लेते हैं, अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो हम कमजोर हो गए तो पैथोजन स्ट्रांग हो गया, डिजीज हो गई। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो पैथोजन वीक होगा तो डिजीज नहीं होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट अगर होस्ट के लिए सुटेबल होगा, होस्ट इज द प्लांट, या इन्वायरमेंट पैथोजन के लिए सुटेबल होगा जो डिजीज कॉज करने वाला होगा। और सुटेबल का मतलब कैसे होता है, जैसे जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए उसको सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जीन हमेशा एक्सप्रेस करते ही रहते हैं,
मोस्ट ऑफ द जीन कैसे होते हैं, जो एक सर्टेन कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो एज के बाद हो गए। अब ऐसा था ना कि एज के बाद जीन बनेगा, जीन तो जायगोट में ही था। जब एक सेल का जायगोट बना स्पर्म और एग फ्यूज करके, जीन तो तब भी था, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस होगा 14 साल के बाद, वो जीन एक्सप्रेस होगा 21 साल के बाद। 21 साल तक वो डॉर्मेंट कंडीशन में, और अगर 21 साल पे वो एनवायरमेंट नहीं मिला तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, वो जब एनवायरमेंट मिलेगा तब एक्सप्रेस होगा। तो किसी भी जीन का एक्सप्रेशन, चाहे वो होस्ट का हो या पैथोजन का हो, वो किस पर डिपेंड करता है? एनवायरमेंट में। होस्ट पैथोजन जो इंटरेक्शन होते हैं वो टोटली किससे गवर्ड होते हैं? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट अगर होस्ट के लिए सुटेबल है तो इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, इट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन, जो डिजीज कॉज कर रहा है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आएगा। अगर एनवायरमेंट पैथोजन के लिए सुटेबल हुआ देन इट इज एबल टू कॉज डिजीज इन होस्ट या प्लांट, जो भी। अभी तो हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हमारा होस्ट ये, तो कोई भी डिजीज। फिर से बोलो बेटा। किसी भी डिजीज का जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट होस्ट के लिए सुटेबल है तो डिजीज डेवलप नहीं होगी, पैथोजन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ जाए। एनवायरनमेंट अगर पैथोजन के लिए सुटेबल है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, होस्ट के हिसाब से मतलब डिजीज होस्ट में कॉज होगी अकॉर्डिंग टू पैथोजन। बैक्टीरिया, निमोनिया कॉज करने का बैक्टीरिया हमेशा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, बट फिर भी निमोनिया एक सर्टेन कंडीशन में होता है। तो अगर वो कंडीशन बैक्टीरिया के लिए सुटेबल हुई तो वो ह्यूमन पे निमोनिया कॉज कर पाएगा, अगर वो कंडीशन बैक्टीरिया के लिए सुटेबल नहीं हुई तो ह्यूमन निमोनिया के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर। सिंपल पैरामीटर। ऐसे ही प्लांट्स में इमेजिन कर लीजिए कि प्लांट में जो डिजीज है वो इस तरीके से ही आती है। अब डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो हम वैरायटी बनाते हैं, मतलब प्लांट ब्रीडिंग जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, वो कैसे करते हैं? दिस इज बाय डिफरेंट मेथड्स। जैसे आपकी बुक में दोबारा से लिखा है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो मेथड्स कौन कौन से थे। सिलेक्शन से आप ये काम कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से आप डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं, इवन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे आपने बीटी कॉटन से बनाई, बीटी कॉटन बनाया, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आप ये काम कर सकते हैं। इवन एक और ऑप्शन भी है, इसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये हम अगली क्लास में यहाँ तक पहुंच जाएंगे जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ोगे, तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस को यूज करके भी आप डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना सकते। म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी नहीं बनती है ना, इम्पॉर्टेंट थिंग इज म्यूटेशन और पॉलीपोलाइडी से डिजीज का रेजिस्टेंस यूजुअली नहीं आता, यूजुअली। हालांकि आपने मूंग बीन के लिए कल लिखा था कि वेराइटीज रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस है ना, कल आपको लिखाया था, एंड पाउडरी मिल्ड्यू मूंग बीन में। तो मूंग बीन के अंदर म्यूटेशन से भी आपने डिजीज का रेजिस्टेंस डेवलप किया, पॉलीपोलाइडी से डिजीज का रेजिस्टेंस नहीं आता। नॉर्मली डिजीज रेजिस्टेंस करेक्टर कैसे ट्रांसफर करोगे? आइदर बाय सिलेक्शन और बाय हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अभी आपने शुगर केन में देखा कि हमने नॉर्थ केन को साउथ केन के साथ हाइब्रिडाइज कर दिया, दोनों को क्रॉस करा दिया, तो हमारे पास ऐसे केन आ गए जिसमें रेड रॉट या डिजीज का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। और बायोटेक्नोलॉजी में आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो ये सब बनाए हैं, वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंस ही दे रहे, लेकिन वो डिजीज नहीं है, वो बॉल वॉर्म के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, कौन कौन से प्लांट थे जिनमें हमने डिजीज का रेजिस्टेंस डेवलप किया और किस चीज के लिए किया, ये आपको याद रखना है ना। आपकी बुक में एक टेबल दी होगी, आप उस टेबल से भी याद कर सकते हो, मैं आपको अपने हिसाब से भी लिख देता हूँ। वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स प्लांट, इनमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है, और ये किस चीज के लिए रेजिस्टेंस है वो भी, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे पहली वैरायटी, पहला क्रॉप प्लांट जो है वो सेम वीट, वीट में एक वैरायटी है हिमगिरी जो रेजिस्टेंस को शो करती है लीफ
एंड स्ट्रिप रस्ट, ये डिजीज है, और दूसरा है हिल बंट। डिजीज में क्या होता है आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि वीट की हिमगिरी वैरायटी है जो इस चीज के लिए रेजिस्टेंस शो कर। वीट में आपने सबसे पहले सिलेक्शन में पढ़ा था एग्जाम्पल कल्याण सोना, फिर आपने पढ़ा था म्यूटेशन में एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन में C306, फिर आपने म्यूटेशन में वीट का एग्जाम्पल कल लिखा था सोनालिका शरबती सोनारा ये सब लिखे थे, फिर आपने ये पॉलीपराइडी में भी वीट का एग्जाम्पल्स आते हैं, फिर अभी आपने वीट का एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन में भी लिखा कि हमने गामा म्यूटेशन से मॉडिफाई करके बनाई। अब वीट में वैरायटी हिमगिरी आ गई है जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी है, अभी आगे भी वीट आएगी। मैंने कल कहा था वीट ऑलमोस्ट हर जगह आएगा, याद ये रखना है कौन सी वैरायटी किस जगह पे आपको पढ़ाई गई। मस्टर्ड की वैरायटी की बात करें, मस्टर्ड यानी ब्रसिका सरसों, ब्रसिका में वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, स्वर्णिम इसको करण राई भी कहते हैं, करण राई। ये व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट में, व्हाइट रस्ट किस फंगस से होता है बताओ, क्योंकि पढ़ाया था आपको इसीलिए पूछा। नहीं आइडिया, व्हाइट रस्ट इज कॉज बाई इतनी देर में तो आप गूगल भी सर्च कर लोगे। कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा, पी एच शुभ्रा, और एक दूसरी वैरायटी है पूसा स्नोबॉल K1। के। बस सीधे सीधे याद ही करना है इसमें से कुछ है। ब्लैक रॉट के अगेंस्ट में या फिर कर्ल ब्लाइट के अगेंस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल काउपी, काउपी लोबिया को कहते हैं, लोबिया जानते हैं, पूसा कोमल वैरायटी का नाम है, अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट। चिली पूसा सदाबहार, अगेंस्ट चिली मोजैक वायरस, इसके अलावा टोबैको मोजैक वायरस, इसके अलावा लीफ कर्ल वायरस। इन तीनों के लिए पूसा सदाबहार चिली की वायरस। एंड लास्ट लेडी फिंगर ओकरा भिंडी, लेडी फिंगर को ओकरा भी बुक में लिखा होगा। इसमें वैरायटी है प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति। ये येलो मोज़ेक वायरस के लिए रजिस्टर्ड। बस यही आपके बुक में दिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, और ये आपको याद रखना। थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। अब इंसेक्ट और पेस्ट भी क्रॉप को डैमेज कॉज करते हैं, कंट्रोल करने का तरीका यूजिंग द इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, बट वो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉब्लम है। और आपने जो बायो कंट्रोल एजेंट अभी पीछे चैप्टर में पढ़ा था माइक्रोबस बायो कंट्रोल एजेंट, एक वो भी ऑप्शन है, एक प्लांट ब्रीडिंग का भी ऑप्शन है कि प्लांट ब्रीडिंग से भी आप इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस का करेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं, और इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कुछ प्लांट में बनाई गई है ना। सक्सेस रेट कम है,
इस चीज के लिए, बट फिर भी जहां जहां सक्सेस मिल गई वहां वहां पे हम उन वैरायटीज को यूज करते हैं। सो थर्ड वन इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये तो नाम आपको दिख ही रहे हैं कि ये क्रॉप्स हैं, वैरायटी के नाम जो है सो ही, अगर यहां से आ जाए ये जो डिजीज लिखी है इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? और फिर अगर फंगल है और वो फंगी आपने पढ़ी हुई है तो 11th में फंगी से रिलेट करना है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का नाम ही रहेगा, वायरस है तो वायरस का नाम तो सिंपल होता है, चिली मोजैक वायरस, तो डिजीज बन गई चिली मोजैक डिजीज, टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक डिजीज, लीफ कर्ल वायरस, लीफ कर्ल डिजीज, ये बैक्टीरियल ब्लाइट है तो नाम से शो हो रहा है कि बैक्टीरिया से होगी, कर्ल ब्लाइट है वायरस से होती है, ब्लैक रॉट बैक्टीरियल है फंगल है, व्हाइट रस्ट मैंने आपसे पूछा था किसी ने बताया नहीं इसीलिए मुझे 2 मिनट बोलना पड़ा, कि जो डिजीज आपने फंगी में पढ़ी है या बैक्टीरिया में कुछ मैंने आपको पढ़ाया है 11th में, तो आप कोरिलेट भी कर सकते हैं कि दीज डिजीज आर कॉज बाई विच फंगी, विच बैक्टीरिया, विच वायरस। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये मत कहिएगा कि एनसीआरटी में कुछ नहीं है, एनसीआरटी में ऐसे ही बिखरा हुआ सा पड़ा हुआ है, समेटना आपको। सो नेक्स्ट इज इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। अब सबसे पहली बात, जैसे हमने टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के स्टेप्स में पढ़ा था कि जो भी करेक्टर हमारा डिजायरेबल है वो हम वाइल्ड रिलेटिव या कल्टीवार से लेके आते हैं, आपने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो करेक्टर है, जो डिजायर्ड करेक्टर होते हैं वो यूजुअली नेचुरल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, उन जीन्स को हमें यूज करना है, और कहाँ से मिलेंगे वो हमें वाइल्ड कल्टीवार, अगर वाइल्ड नहीं है तो रिलेटेड कल्टीवार से लेके आएंगे। प्रॉब्लम इज कि कोई इंसेक्ट का अगर रेजिस्टेंस का करेक्टर है अगर वाइल्ड में होगा तो आज भी होगा, और अगर वाइल्ड में नहीं था तभी तो आज नहीं है। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस वाली ब्रीडिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंसेक्ट और पेस्ट का रेजिस्टेंस का जो करेक्टर होता है वो वाइल्ड में भी नहीं है, तो आज कैसे होगा, और अगर वाइल्ड में था तो आज भी होगा, आपको डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करेक्टर को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप किसी प्लांट के अंदर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस का करेक्टर लाना चाहते हैं तो वो आपको उसके वाइल्ड या रिलेटेड कल्टीवार में नहीं मिलेगा, वो पता नहीं कहाँ होगा, और फिर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से उस करेक्टर को ट्रांसफर करोगे तो जितना दूर की स्पीशीज होंगी उतने ही हाइब्रिडाइजेशन का सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इसीलिए इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस की जो ब्रीडिंग है वो बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल ब्रीडिंग अगर कहा जाए जो 4 एंगल आपकी बुक में दिए हैं, 4 करेक्टर्स आपकी बुक में दिए हैं, उनमें जो डिजायरेबल करेक्टर ये वाला है इसका जो सक्सेस रेट है वो सबसे कम है। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस का कैरेक्टर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, इवन वी डोंट नो, हमें बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा तब हम उस कैरेक्टर को लाएंगे। सबसे पहले आपके बुक में ये किया कि जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट जिसमें आप लाना चाहते हैं इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल को हमेशा फिजियोलॉजिकल भी वहां बोल सकते हो, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, कभी घर में सब्जियां काटी हो तो बैगन में कीड़ा निकल आता है, बहुत कॉमन है, भिंडी के अंदर भी कीड़ा होता है, बहुत कॉमन है, कभी लौकी के अंदर कीड़ा देखा है, खीरे के अंदर कीड़ा देखा है, वैसा जैसा आप बैंगन में या भिंडी में देखते हैं, भिंडी के अंदर बहुत कॉमन है, भिंडी में अंदर जगह होती है, मालवेसी फैमिली का है, और उस जगह के अंदर दैट इंसेक्ट इज फ्रूट बोरर, जो फ्रूट को बोर करके मतलब उसके अंदर जगह बना के लार्वल स्टेज में चला जाता है, और फिर एडल्ट होके वो भिंडी के अंदर ही रहेगा, और भिंडी बहुत सॉफ्ट होती है,
आराम से उसको खाता रहे। किसी हार्ड प्लांट के अंदर क्या फ्रूट बोरर होते हैं? क्या गेहूं के पौधे में फ्रूट बोरर होगा? नहीं हो सकता। तो क्योंकि नेचर ने भिंडी का प्लांट बहुत सॉफ्ट बनाया है, इसलिए वो आसानी से खा लेता है। जैसे आपने कॉटन में देखा या जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि जो बॉल वॉर्म होता है वो कॉटन की लीफ पे फीड करता है, और कितनी भी आंधी चले, तूफान चले, बॉल वॉर्म जो है वो लीफ से नीचे गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? अगर आपने बॉल वॉर्म को इमेज में देखा हो तो वो हेयरी होता है, उसकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं, और जो कॉटन की लीफ होती है उस पर भी छोटे छोटे ट्राइकोम होते हैं, मैंने एनाटॉमी में आपको पढ़ाया। तो ट्राइकोम के बीच बीच में जो बॉल वॉर्म के ब्रिसल्स है ना, वो फंस जाते हैं, तो कितनी भी हवा चले बॉल वॉर्म लीफ के ऊपर से गिरेगा नहीं, है ना। अगर मान लीजिए मैं कॉटन की लीफ को स्मूथ कर दूं, तो उसमें ब्रिसल्स हटा दूं, तो बॉल वॉर्म अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, हल्की सी हवा चलेगी बॉल वॉर्म लीफ से नीचे गिर जाए। तो नेचर ने बॉल वॉर्म को कॉटन पे अगर दिया तो इसी वजह से दिया, क्योंकि कॉटन के प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स बॉल वॉर्म को रिलेट करते हैं। अगर भिंडी में मान लीजिए फ्रूट बोरर होता है तो इसीलिए पॉसिबल है, बिकॉज भिंडी के अंदर अंदर जगह है, मालवेसी फैमिली के स्टेम लीफ फ्रूट्स में स्पेस होता है, और उसमें वो फ्रूट बोरर आसानी से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। तो अगर मान लीजिए हम ये करेक्टर्स ट्रांसफर करें कि कल को भिंडी सॉलिड हो जाए, भिंडी के पौधे में कोई ऐसा चेंज कर दें कि फ्रूट बोरर ना जा पाए, या आपने सरसों में देखा होगा छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े लगते हैं, उन्हें एफिड्स बोलते हैं, जहां पे सरसों का फ्लावर आएगा वहां पे वो कीड़े लगते हैं, वो फ्लावर में जो सैप होता है उस पर फीड करते हैं। अगर फ्लावर का सैप ही फीड कर लेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कैसे चेंज होगी, और सरसों का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, सरसों होगा ही नहीं, पौधा बन जाएगा लेकिन राई के सीड्स नहीं मिलेंगे आपको। तो एफिड्स इसीलिए वहां पे रह पाया, बिकॉज सरसों के फ्लावर में सैप बहुत ज्यादा होता है। अगर वो सैप कम हो जाए, उसमें शुगर कंटेंट कम हो जाए, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाए, तो अपने आप एफिड्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो किसी भी प्लांट के अंदर अगर रेजिस्टेंस आता है तो वो या तो कोई मॉर्फोलॉजी के करेक्टर की वजह से होता है, या एनाटॉमी की वजह से होता है, या कई बार बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है। मैंने जो भी एग्जाम्पल अभी आपको बताए, फॉर एग्जाम्पल मैं उन्हीं को लिखता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर हेयरी लीव्स हैं इन प्लांट्स, प्लांट्स में अगर हेयरी लीफ है, तो अगर हेयर लाइक लीफ होंगी तो कुछ इंसेक्ट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, मेक रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। कौन से? जैसे रेजिस्टेंस टू जैसिड्स। अब जैसिड्स इंसेक्ट है, बहुत ज्यादा फाइलम ऑर्थोपोडा या क्लास इंसेक्टा पे जाना नहीं है, जो इंसेक्ट्स के नाम लिखे हैं वो बस आप याद कर सकते हैं, इंसेक्ट्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी है ये याद करके, है ना। तो जैसिड्स, रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन, या सीरियल लीफ बीटल इंसेक्ट है इन व्हीट। तो व्हीट के अंदर सीरियल लीफ बीटल नहीं आता, कॉटन में जैसिड्स नहीं आ पाते। इसका रीजन ये है कि कॉटन और व्हीट की लीफ कैसी है? हेयरी है। अगर हेयरी ना होती तो ये इंसेक्ट्स इन प्लांट्स पे डिजीज कॉज कर सकते थे। तो ये एक एग्जांपल लिखा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या है? अगर व्हीट का स्टेम सॉलिड हो, सॉलिड स्टेम इन व्हीट, तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, एक इंसेक्ट है जो स्टेम में होता है, स्टेम सॉफ्लाई, ये स्टेम में रहता है। अब स्टेम में क्योंकि सॉलिड स्टेम है तो अंदर रहने की जगह नहीं है, सॉफ्लाई के जो माउथ पार्ट्स हैं वो स्टेम में बहुत अंदर तक जा नहीं सकते, तो अपने आप व्हीट की क्रॉप बिकॉज ऑफ दिस करेक्टर सॉफ्लाई के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगी। कॉटन का एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि स्मूथ लीफ अगर है इन कॉटन, या नेक्टर लेस वैरायटी है
ऑफ कॉटन। तो ये क्या करती हैं, दे डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉल बॉम। जो अभी आपको समझाया, ये याद रखिएगा, कॉटन में जैसेट्स के लिए रेजिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि हेयरी लीफ है, और कॉटन में बॉल वॉर्म के लिए रेजिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि स्मूथ लीफ है। अगर यहाँ हेयरी लीफ होगी तो बॉल वॉर्म आसानी से ग्रो कर जाएगा, अगर यहाँ स्मूथ लीफ कर दोगे तो जैसेट्स आसानी से ग्रो कर जाएगा। हर इंसेक्ट का डिजायरेबल करेक्टर अलग है। अब प्लांट ने अगर नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप किया तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर करेक्टर। इसी तरीके से अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो बिकॉज ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन, इंसेक्ट्स को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होती है बिकॉज इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का होगा, काइटिन इज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो अगर प्लांट में नाइट्रोजन कम होगी तो इंसेक्ट उस पर ग्रो ही नहीं करते बिकॉज इंसेक्ट्स को तो नाइट्रोजन और ज्यादा चाहिए। मॉल्टिंग एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकती, लार्वा जब एडल्ट में चेंज होता है या एक लार्वा जब दूसरे लार्वा में चेंज होता है तो उसे मॉल्टिंग कहते हैं। तो मॉल्टिंग एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकती। अगर प्लांट में एसिडिटी है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड, अगर प्लांट में एसिडिक कंटेंट आ रहा है तो उसमें आसानी से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और एनर्जी चाहिए तो उसके लिए शुगर, सो लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज फॉर एग्जाम्पल। तो ये स्टेम बोरर के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर देगा, रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरर इंसेक्ट्स। सो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर्स जो प्लांट को नेचुरली रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इंसेक्ट एंड पेस्ट। अब इन कैरेक्टर को हमें ट्रांसफर करना है, मोस्ट ऑफ द केस में जो इंसेक्ट और पेस्ट का रेजिस्टेंट कैरेक्टर है वो हाइब्रिडाइजेशन से आता है। सो हम इनको डिजायरेबल वैरायटी के अंदर या क्रॉप के अंदर ट्रांसफर करना चाहेंगे फ्रॉम दीज पर्टिकुलर प्लांट्स, जैसा जिस जगह से आए। और करने के बाद यील्ड हमें कम मिलेगी बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन जब एक स्पीशीज के मेंबर में होता है तो सक्सेस रेट ज्यादा है, जितनी दूर की स्पीशीज होंगी उतना सक्सेस रेट कम होता जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो जिन जिन के अंदर डेवलप हुआ वो एग्जाम्पल से याद कर लीजिए। अगेन सेम आपकी बुक में वही क्रॉप वैरायटी रेजिस्टेंस, तीन एग्जाम्पल बुक में दिए। फर्स्ट वन इज मस्टर्ड यानी ब्रेसिका, इसमें वैरायटी है पूसा गौरव, और ये एफिड्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस टू एफिड्स। दूसरा एग्जाम्पल दिया है फ्लैट बीन जो सेम की फली हो, सेम की फली में भी आपने देखा होगा कि फली को अंदर से खोलोगे तो उसमें आपको डार्क ब्लैक ब्राउन कलर की इंसेक्ट्स दिखाई। इनकी जो वैरायटी है दीज आर पूसा सेम टू, हिंदी में पूसा सेम थ्री, दे आर रेजिस्टेंस टू जैसिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, सबके लिए रेजिस्टेंस। और तीसरा भिंडी ओकरा या लेडी फिंगर, भिंडी लिख देता हूँ, इसमें जो वैरायटी है वो पूसा PUSA, सब जगह पूसा आएगा, पूसा सवानी SAWAMI और पूसा A4। एंड दे आर रेजिस्टेंस टू शूट यानी जो स्टेम है एंड फ्रूट बोरर। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपके सर। साउंड ब्रेक हो रही है आपकी बहुत, अब तो चलो बेटा ऑलमोस्ट हो गया।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस को शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट आएगा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। किसी फूड में लाइक सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, है ना, जो भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें फूड की क्वालिटी को इंक्रीज कैसे किया जाएगा। इंक्रीज की जगह बेटर टर्म आता है इम्प्रूव्ड, बिकॉज क्वालिटी बढ़ाई जाती है, कई बार पैरामीटर क्वांटिटेटिव भी होता है, कई बार पैरामीटर क्वालिटेटिव भी होता है। तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव पैरामीटर की बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी में फैट ज्यादा है तो हमें उसमें गुड फैट ज्यादा करना है, अगर प्रोटीन ज्यादा है तो उसमें हमें गुड क्वालिटी की प्रोटीन लेके आनी है। तो ये हम कैसे डेवलप करेंगे वो आप कल की क्लास में कर लीजिएगा। इसमें इंप्रूव्ड क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग के एग्जांपल्स हम देखेंगे, फिर सिंगल सेल प्रोटीन का एक छोटा सा पैराग्राफ है, और फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, तीन चीजें अभी आपको इसमें पढ़ना, ये चैप्टर फिनिश हो जाए। कोई डाउट किसी को कुछ हो तो पोस्ट कर। सर हाँ बेटा, राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन फिलीपींस है। नहीं एग्जैक्टली कोई कंट्री सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं होता, जैसे इंडिया भी आपने, मैंने बोला कि जैसे वीट उसके शुगर केन के लिए इंडिया है, तो एक्चुअली कोई इंडिया नहीं है, सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम है मिडिल ईस्ट एशिया। अब ज्योग्राफी के हिसाब से मिडिल ईस्ट एशिया में कितने कंट्री आएंगे वो आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसा ही राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन एग्जैक्टली फिलीपींस नहीं है, वो पूरा एरिया है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नाम याद नहीं आ रहा है कि ज्योग्राफी के हिसाब से उसे क्या कहते हैं, बट उसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया वो फिलीपींस में बनाया। जैसे मैक्सिको भी कोई सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं है, मैक्सिको और नियर बाई जो एरिया होगा वो पूरा सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसमें जो रिसर्च सेंटर डेवलप कर दिया गया वो मैक्सिको बना दिया। अब जैसे ओके मिडिल सर, ईस्ट एशिया तो बहुत बड़ा है ना, मिडिल ईस्ट एशिया में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन फिर भी पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला से ऊपर कुफरी में क्यों बनाया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्हें पता था कि पोटैटो एक लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाली क्रॉप है, तो अगर हम शिमला या नियर बाई कहीं बनाएंगे तो आसानी से उस पर रिसर्च हो पाए, क्योंकि प्लेन्स पे बनाते तो पोटैटो पे रिसर्च केवल विंटर सीजन में हो सकती है, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर पोटैटो प्लेन्स पे पोटैटो का ग्रो करते हैं, विंटर में तो करते हैं, अक्टूबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन हिली एरियाज पे हमेशा पोटैटो ग्रो करता है, वहां पर साइज भी बड़ा होता है, क्योंकि एक्चुअली वो चिलिंग टेम्परेचर उसको चाहिए। तो फिलीपींस नहीं आएगा वर्ड राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन, एग्जैक्टली उसका नाम कुछ और देखना पड़ेगा, बेबीलोन के अकॉर्डिंग क्या राइट नाउ मुझे याद नहीं है सीरियसली, तो मैं कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट क्या है, देख के बता दूंगा। चलो अगली क्लास में कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव क्वालिटी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू।